ये हमारे पास लॉ का थर्ड लॉ है, इसको हम लोग प्रूव करने लगे हैं। लॉग ए एम की पावर एन वो इक्वल टू होता है एन लॉग ए एम। अच्छा, इसको हम लोग दो मेथड से प्रूव करेंगे। फर्स्ट जो मेथड हम लोग डिस्कस करने लगे हैं उसमें हम लोग इसको बोल देते हैं, ये हमारे पास ये वाली जो रकम है लॉग ए एम और एन इक्वल टू एक्स। अब इसको जब हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ए बेस यहाँ पे आ जाएगी, ये चीज़ पावर में चली जाएगी और यहाँ पे हमारे पास एम की पावर एन आ जाएगी। और अब इसमें हमने इस वाली चीज़ को हम लोग बोल देते हैं लॉग ए एम इक्वल टू वाई। जब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो बेस ऊपर आ जाएगी, ये चीज़ की पावर में चली जाएगी और एम इस साइड पे आ जाएगा। अब हम लोग इस साइड पे पावर एन ले लेंगे, बोथ साइड पे भी पावर एन आ जाएगी, तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी एन वाई इंटू एम की पावर एन। इसको हम वन बोल देते हैं, इसको हम लोग टू बोल देते हैं। जब हम लोग इन दो इक्वेशनों को कंपेयरिंग कराएंगे तो हमारे पास कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इट मींस इसका मतलब है जो एम एन इक्वल टू एम एन, क्योंकि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में इक्वल है, तो इट मीन इनके जो आंसर होंगे वो भी हमारे पास इक्वल आएंगे। यहाँ पे इसका आंसर ए एन वाई और ए एक्स। अब हमें यह पता है कॉमन बेसिस जो होती हैं वो आपस में कैंसल आउट हो जाती हैं, तो हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू एन वाई ड्यू टू कॉमन बेसिस। अच्छा, अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमने लेट की थी, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वी गेट। हमने जो एक्स की वैल्यू लेट की थी वो हमारे पास ये थी, और जो हमने वाई की वैल्यू लेट की थी वो हमारे पास ये है। तो हम लोग एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे एक्स है इसलिए लॉग ए एम ओवर एन इन टू एन लॉग ए एम, और इस तरीके से ये प्रूव हो चुका है। अब इसी प्रूव को हम लोग एक दूसरे मेथड से, सेकंड मेथड से भी प्रूव कर लेते हैं। अब हमारे पास लॉग में दोबारा लिखने लगा हूँ लॉग ए एम ओवर एन इक्वल टू एन लॉग ए एम। अब हम लोग इसमें लेट करेंगे, लेट लॉग ए एम इक्वल टू एक्स, ये वाली जो चीज़ है इसको हम लोग एक्स बोल देते हैं। इसको जब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स पावर में चले जाएगा, एम इस साइड पे आ जाएगा। अब टेकिंग पावर एन बोथ साइड, जब हम इसमें जब पावर लेंगे एंड बोथ साइड पे
हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये जब आपस में पावर जो होते हैं आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, इसलिए ये एन एक्स आ जाएगा, एम की पावर एन आ जाएगा, टेकिंग लॉग इन लॉग फॉर्म। इसको हम लॉग फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये चीज बन जाएगी, ये हमारे पास बेस में आ जाएगी, ये चीज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ पे n इंटू एक्स आ जाएगा। अब हमारे x की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो हमने इसमें इस मेथड में ये जो चीज थी इसको हमने x बोला था, यानी कि log a m इक्वल टू x, तो हम इसकी जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास m इंटू log a एम आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास log a m इंटू एन हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रूव हो चुका है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे अप्लाई होगा। लेट हमारे पास एक कोई रकम है जिसकी पावर हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो हमने देखा है जो log है वो पावर को स्टार्ट में लिख देता है, इसलिए 5 स्टार्ट में आ जाएगा, log इंटू 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये log हमारा अप्लाई हो जाएगा।